हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से कौन नाइट जान का डोरमेट बताने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये चार कलर लिए हुए हैं। यहाँ पे चार कलर से आप इसे दो कलर में भी बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे चार कलर में आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा डोरमेट बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है, जिसे हमने चार कलर की वूल से बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं इतना इसको बना भी चुकी हूँ, पर मैं आपको ये शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ पे आपको फ्लोर के मल्टीपल से फंदे लेने हैं। यहाँ पे मैंने 30 फंदा लिया हुआ है, दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं और चार चार के हिसाब से डाले हुए हैं। तो इसी तरह से आपने जितना भी बड़ा बनाना है, चार चार के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं और दो फंदे आपने एक्स्ट्रा रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसको पुरानी चुन्नी में और पुरानी साड़ी से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो, ये देखिए, मोटी वाली 8 नंबर सिलाई ली हुई है और आप इसे दो कलर में भी बना सकते हैं, चार कलर में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, मल्टी कलर में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए 30 फंदा मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 30 फंदा डाल के अपना यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखिए, एक सिलाई हमारी आ चुकी है, तो वैसे ही एक एक सिलाई हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले फंदे को उतारेंगे और फर्स्ट रो को एक सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा है और आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 30 फंदे का भी ये काफी बड़ा बनके कंप्लीट होगा, जिसमें हमने चार चार के हिसाब से फंदे डाले हुए हैं, 28 फंदे और दो फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरह से बनाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ किनारी बनती है। तो अब ये देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अपना डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे मैंने फंदे डाल लिए, तो फंदे डालने के बाद हमने इसको डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जब फंदे डाले थे तो डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था और सभी में हमारी एक एक सिलाई सीधी बना गई है। तो देखिए, यहाँ पे बता देती हूँ आपको, तो चलिए यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ये देखिए 2, 4, 6, 8 20 फंदे हमने यहाँ पे, ये देखिए, बना लिए। ये देखिए 20 फंदे मैंने बना लिए, यहाँ से मेरा 10 फंदों में इधर 10 फंदा है, 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ से अपना इसमें येलो कलर ऐड करेंगे, ये देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, जिसमें से मैंने 8 फंदे बना लिए और दो फंदे लास्ट के छोड़ दिए, जो एक्स्ट्रा रखे थे वो दो फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। यहीं से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम सीधी सिलाई में जो जैसा फंदा है वैसे ही इसको बनाते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। पहले फंदे को उतारते हुए इसको हम बनाते चले जाएंगे। 8 फंदे ये बनाए, धागा पीछे करेंगे और ये वाला धागा
इस तरह से क्रोश करेंगे। ये देखिए, अब 20 फंदा ये भी बना लेते हैं। तो एक बार आपको दिखा रही हूँ सीधी सिलाई को बनाते हुए, हर बार हमने जो जैसा फंदा है वैसे ही बनाते हुए जाना है और उल्टी साइड से ही इसमें डिजाइन बनेगा। बहुत सिंपल सा है, ये देखिए। तो सीधी सिलाई यहाँ पे हमने लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। आगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे अपना 20 फंदा इसी कलर से बनाएंगे और 6 फंदा येलो कलर का बनाएंगे, जिसमें से हम 2 फंदा छोड़ेंगे। दूसरी सिलाई में हम 20 फंदा इसी कलर से बनाएंगे और 6 फंदे येलो कलर से। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लास्ट के येलो कलर के 2 फंदे फिर से छोड़े और यहीं से टर्न करेंगे। अब सीधी सिलाई मैंने आपको बता दी है, तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 2 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, यानी कि दोनों तरफ की 4-4 सिलाइयाँ डिजाइन की। वैसे ही हमने हर बार इसमें जब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 4-4 फंदे प्लस करते हुए जाना है। ये देखिए 1, 2, 2 बन गई तो 4 फंदे आगे प्लस कर लिए, फिर यहाँ पे 2 बन गई तो आगे 4 फंदे प्लस करिए। इसी तरीके से बनाएंगे इसको। तो आइए सीधी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। सीधी सिलाई हमने बना ली, अब ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे बना लिए और 4 फंदे इसमें हम येलो करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागे को पकड़ते हुए, बहुत सिंपल सा है गाइज, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए 2, 3, 4 और 4 फंदे हमने यहाँ पे 6 फंदे बनाए थे, 2 फंदे छोड़ दिए येल्लो के, अब 4 फंदे इसमें से 1, 2, 3, 4 और 2 लास्ट के फिर से छोड़ दिए हैं, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बहुत सिंपल सा है गाइज, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि थालपोश की जगह या पूजा आसन की तरह, जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधी सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। तो सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली, अब ये देखिए 4 फंदे हमने यहाँ पे ऐड कर लिए थे। अब ये दूसरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए 2-2 सिलाइयों के बाद, यानी कि दोनों तरफ की 4-4 सिलाइयों के बाद 4-4 फंदे प्लस करने हैं। तो इसमें आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए इस बार हम इसमें नहीं करेंगे, 6 फंदे येलो से बनाएंगे। ये देखिए 8 फंदे थे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़े। तो सीधी सिलाई को बना लेते हैं। देखिए आगे हम सीधी सिलाई पे, अब यहाँ पे ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अब 4 फंदे फिर से कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़े। तो आइए मैं यहाँ पे
ऐसे ही चार चार फंदे प्लस करते हुए इसको बनाती हूँ। जब यहाँ पे चार फंदे ये रह जाएंगे तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। दो बार और मैं यहाँ पे ये देखिए दो चार, तो दो बार और बना लेती हूँ, तीसरी बार बनाऊँगी। लास्ट के जब चार फंदे रह जाएंगे अब मैं आपको फिर से दिखाऊँगी। कुछ नहीं करना है, चार चार फंदे प्लस करने हैं दो दो सिलाइयों के बाद। ये देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक दो, फिर आगे ऊपर एक दो, इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना ली हूँ चार चार फंदे प्लस करते हुए। अब चार फंदे बाकी हैं यहाँ पे, तो ये चार फंदे भी लास्ट के हम ये देखिए इस तरह से कर लेते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो फंदे लास्ट के छोड़ दिए इस तरीके से। लास्ट के मैं चार फंदे आपको बता दी हूँ, ये देखिए आप इसमें बड़ा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं, बनाना आपने इसी तरह से है। तो देखिए यहाँ पे हम छह फंदा बना लिए और लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिए, तो बाकी के सभी फंदे मैंने यहाँ पे ये देखिए छोड़ दिए हैं और यहाँ पे ये छह फंदा नहीं छोड़ा है। इन छह फंदों को हम इस फंदे को आप बना भी सकती हैं चाहे आप इसे उतार सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये छह फंदा मैंने नहीं छोड़ा है, बाकी के मैंने सभी फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो आप अगर बड़ा बना रहे हैं तो आपने इसी तरह से बाकी के सभी फंदे छोड़ देने हैं, बाकी के यहाँ पे छह फंदा आपने ये देखिए दो चार छः, छः फंदे नहीं छोड़ने हैं। अब छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इसमें तीसरा कलर ऐड कर देंगे। छः फंदे मैंने नहीं छोड़े हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बाकी के सभी फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। ये देखिए अब इनको हम यहाँ पे आगे की पत्ती के लिए इन फंदों धागों को यहाँ पे कट कर देंगे इस तरह से दबाते हुए। तो देखिए यहाँ पे छः फंदे मैंने जो नहीं छोड़े थे वो मैंने बना लिए, दो चार छः, बाकी के हम सारे फंदे इसी कलर से हम बना देंगे। इस तरीके से आपने बनाना है, चाहे आप इसे पुरानी चुन्नी में बना रहे हैं, चाहे साड़ी में, किसी चीज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा लगता है, बिल्कुल सिंपल है बनाने में, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। ये देखिए तो सभी फंदे मैंने छोड़ने के बाद बना लिए हैं, यानी कि तीसरा कलर लगाते हुए बना लिए हैं। ये देखिए अब इन धागों को हम यहीं से कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे धागे कट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दूसरी पत्ती के लिए, ये वाली पत्ती बनाने के लिए अब हम यहाँ पे इस सिलाई को पूरा बना लेते हैं। उसके बाद हमारा फिर से यही डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हमने बनाते हुए जाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ये सीधी सिलाई को। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना इसको बना लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे पूरी सिलाई सीधी बना ली है, अब यहाँ पे हम 20 फंदा बना लेंगे अपना, और 10 फंदों में अपना यहाँ से डिजाइन बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया था। 8 फंदे हमने येलो बनाए थे, इस बार हम क्रीम कलर के 8 फंदे बनाएंगे, दो फंदे लास्ट के ये छोड़ देंगे और बाकी के 20 फंदे इसी कलर से। फिर चार चार फंदे वैसे ही प्लस करते हुए जाना है और ये काफ़ी सुंदर आपका डिजाइन बन के कम्प्लीट होगा। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है। तो इसको हम ऐसे ही पूरा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको फिर से बता दिया है, यहाँ पे ये देखिए 8 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, लास्ट के ये दो फंदे छोड़ेंगे और यहाँ पे 20 फंदे इसी कलर से बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये इसी तरीके से ये वाली पत्ती जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही सारी पत्तियाँ आपकी बनेंगी। सारी इसी तरीके से इसको बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और फिनिशिंग के साथ बनता चला आ रहा है। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही पूरा करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बनके कंप्लीट है और काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है। ये देखिए आप देख सकते हैं और इसको मैंने बहुत ही आसानी से आपको बनाना बताया है और काफ़ी बड़ा बनके ये कंप्लीट हुआ है देखिए। और किसी भी तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं थालपोश की जगह या पूजा आसन की तरह जैसा आप चाहें उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और देखिए ये सिलाई के साथ बिल्कुल आपका हॉल बंद हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सारे फंदे का घटा देंगे यहाँ पे, अभी फंदे घटाए नहीं हैं और सारे फंदे घटा के इसको यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा आपका यहाँ पे ये प्यारा सा डोरमेट बन के कम्प्लीट है, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा ये डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।